मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है, हरियाणा से हूं मैं। वहां पे एक टाउन है जीन नाम से, पिछले 8 साल से वहां पे मेरा अपना एक बिजनेस है, केबल नेटवर्क है पूरे टाउन में। और साथ में दोस्तों मैं स्टूडेंट हूं अभी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पीएचडी कर रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं आज। और पिछले 4 साल से आर्ट्स एंड का भी स्टूडेंट हूं, इसको भी सीख रहा हूं। बहुत लक्की हूं मैं और बहुत लक्की हैं आप सब लोग, क्योंकि हम सब की जो कॉमन अपलाइन है वो एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्ट्स एंड में एक इतिहास रचा है, जिन्होंने आम व्यक्ति को ये बताया कि कपड़े की किट खरीद के 1 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। आर्ट्स एंड के पहले करोड़पति कोठारी साहब, हम बहुत लकी हैं, कोठारी साहब की गाइडलाइन हमें मिलती है। और ऊपर में श्री केसी चावड़ा साहब जिनका बहुत बड़ा विजन है इस बिजनेस को लेके, श्री बीसी चावड़ा जी जिनकी मोटिवेशन, जिनकी प्रेरणा से हम बहुत बड़े बड़े ड्रीम इस बिजनेस में बना रहे हैं और उनके आशीर्वाद से हम उनको पूरा कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मेरी जो एलओएस है और मेरी जो एलओएस है वो निश्चित रूप से आपकी भी एलओएस है। हम सबकी एलओएस दुनिया की सबसे बेहतरीन एलओएस है, सबसे बेहतरीन लोग हैं वो, सबसे अच्छे टीचर हैं वो, जो हमें एक आम व्यक्ति से खास व्यक्ति बनाने के लिए जिनका संकल्प है। आज से 4 साल पहले ये बिजनेस मेरे लिए अजनबी था, पहली बार मैंने नाम सुनाई दिया था आरसीएम। और आज आलम ये है, सुबह जब उठते हैं मोबाइल पे जो पहली फोन कॉल अटेंड करते हैं उसमें होता है गुड आरसीएम। और दिन में पता नहीं कितने बार गुड आरसीएम होता है, और रात में भी सोते टाइम फोन की जो लास्ट कॉल होती है या श्रीमती जी जो बोलते हैं वो भी एक ही चीज बोलते हैं, गुड आरसीएम। यस, इतना रम गया ये अंदर में, मात्र 4 साल का टाइम पीरियड हुआ फ्रेंड्स। 4 साल पहले जब मैंने मार्केटिंग प्लान देखा, मेरे दिमाग में भी कई सारे कंफ्यूजन थे इसको लेके। जिस व्यक्ति ने मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाया था मैंने उनसे प्रश्न किया था कि मेरा अपना एक बिजनेस है, उस बिजनेस में मेरी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट के बावजूद जब इनकम और प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो बहुत लिमिटेड है, हजारों में आता है, और जब कंपटीशन होते हैं तो आता नहीं है, घर से देना पड़ता है। और आप यहां पे बता रहे हैं कि कपड़े की एक किट खरीदें, आपके घर में लाखों रुपए महीना की इनकम आ सकती है। मैंने उनसे कहा कि मेरा बिजनेस को लेकर जो तजुर्बा है, जो एजुकेशन बिजनेस की आज तक मुझे मिली है, वो एजुकेशन ये कहती है अगर आपने 1 लाख रुपए महीना कमाना है एक ही तरीका है, आपके पास में 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। अगर 1 करोड़ रुपया है उस 1 करोड़ रुपए का कोई भी काम करके शायद आपको 1 लाख रुपए महीना की इनकम आ जाए, लेकिन कपड़ा पहनने से 1 लाख रुपए महीना की इनकम आएगी ये कैसे पॉसिबल है? इस प्रकार के तरह तरह के प्रश्न जो पहली बार मैंने मार्केटिंग प्लान देखा मेरे माइंड से पैदा हुए। मैं बहुत सीरियस नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि मैं एक अच्छे दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता था। मेरे को लगा अगर ये किट नहीं खरीदा तो ये दोस्त कम से कम 1 महीने तक बात नहीं करेगा मेरे से, कि मैं उसकी नेचर को जानता था। मैंने किसी व्यक्ति को ओबलाइज करने के लिए 1260 रुपए दिए, एक फोरम पे साइन कर दिए, किट ले ली। किट लेके भी मैं घर पे नहीं गया, मेरा अपना जो केबल नेटवर्क का बिजनेस है उसके ऑफिस में जाके उसको रख दिया, क्योंकि शादीशुदा लोगों के साथ में एक दिक्कत होती है, जब कुछ भी सामान लेके जाते हैं तो उस पर बहुत बड़ी छानबीन होती है, तहकीकात होती है, कितने का लाए, कहां से लाए, क्यों लाए। सो मैं किसी पंगे में नहीं पड़ना चाहता था, मैंने सोचा किसी मौके पे ले जाएंगे। सो बहुत सीरियस नहीं था इसलिए मैंने काम नहीं किया इस बिजनेस को लेके। इवन मैंने ये भी नहीं देखा कि इसमें कितने कपड़े हैं, पैंट शर्ट क्या है क्या नहीं। 3 महीने तक काम किया तो केवल मात्र एक किया, जब भी मेरी अपलाइन का फोन मेरे पास में आता था मैं हर बार कोई ना कोई नया बहाना उसको बना के बता देता था। कभी मैं उनको कहता, वो कहते कि इस महीने आप अच्छा काम करो मैं आता हूं आप मीटिंग रखवाएं, मैं उनको कहता इस महीने मीटिंग नहीं रखेंगे क्योंकि इस महीने इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट की श्रृंखला चली हुई है और बहुत सारे लोगों के घरों में केबल के कनेक्शन लगाने हैं। कभी मैं कहता कि अब की बार तो यूनिवर्सिटी में जाना है,
स्नैपशॉट सबमिट करने हैं, तो कभी मैं परिवार के किसी व्यक्ति को बीमार कर देता और कई बार किसी व्यक्ति को ऊपर भेज देता, दूर के रिश्तेदार को। दूर के रिश्तेदार की कोई डेफिनेशन नहीं होती ना। यस, और ये एक ऐसी चीज है, फिर कोई भी बंदा बोलता नहीं ज्यादा, बिजनेस की बात नहीं करता, वो पूछता अच्छा कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, और छुट्टी मिल जाती है कुछ टाइम के लिए। सो 3 महीने तक ये कार्रवाई चलती रही, लेकिन 3 महीने के बाद इस बिजनेस को लेकर जो टर्निंग प्वाइंट आया, मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा परिवर्तनकारी समय था, इस प्रकार की एक मीटिंग में आने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। वो भी आना नहीं चाहता था, जैसे तैसे आ गया, और आज शुक्र गुजार हूं सुपर वाले का, उस हालात उन परिस्थितियों का, जो परिस्थितियां मुझे मैं चाहते हुए भी इस प्रकार के शानदार लोगों के बीच में बैठा दिया, और बैठाने के बाद ही बिजनेस मेरे समझ में आ गया। ये जो क्लैपिंग बार बार बजवाई जा रही है ना, ये इसलिए बजवाई जा रही है ताकि आपकी थोड़ी सी स्थिति ठीक हो जाए। हमारा जो दिमाग होता है ना, जैसे भूमि होती है, उसमें अच्छी फसल पैदा करने के लिए उसको साफ किया जाता है, उसमें जो गलत चीजें पैदा हो जाती हैं उनको निकालना पड़ता है, और उपजाऊ भूमि में उपजाऊ फसल पैदा होती है। सो ये जो तालियां हैं, जो पहले की नेगेटिविटी हमारे यहां पे फीड है, उस नेगेटिविटी को वास करने के लिए बार बार बजाई जाती हैं। जितनी ज्यादा बताओगे उतनी ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। तालियों का क्या महत्व है, ये हेमंत शर्मा जी ने आपको बताया, लेकिन तालियों का सबसे बड़ा महत्व पिछले हफ्ते मुझे समझ में आया, जब मैं जयपुर में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है वहां पे बिरला ऑडिटोरियम, उसके बाहर एक फंक्शन लेके निकला, बहुत एक्साइटिंग सेमिनार थी, वो लगभग 2000 लोग थे वहां पे, और जैसे हम लोग बाहर निकले, दो डिस्ट्रीब्यूटर, दो व्यक्ति मैं कहूंगा, आपस में झगड़ रहे थे, आपस में जोर जोर से बातें कर रहे थे। मैं उनके पास में गया, मैंने उनसे पूछा कि भैया आप लोग मीटिंग में थे, मीटिंग में तो अच्छा बोलना सिखाया जाता है, प्यार करना सिखाया जाता है, तुम झगड़ क्यों रहे हो आपस में। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि ये जो सज्जन मेरे पास में है, ये मेरे बहुत नजदीकी दोस्त हैं, मैं पिछले 3 महीने से इनको आर्सन बिजनेस के बारे में बता रहा था, बड़ी मुश्किल से इनको मैं फंक्शन में लेके आया, बाहर जो टिकट लगी वो भी मैंने अपनी पॉकेट से इनको लेके दी, और अब मीटिंग से बाहर आने के बाद ये कह रहे हैं कि मैं आर्सन बिजनेस ज्वाइन करूंगा। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, परेशान क्यों हो रहा तू। उसने कहा मैं परेशान इसलिए हो रहा हूं, ये कह रहा है कि मैं आर्सन ज्वाइन तो करूंगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। फिर मुझे भी लगा कि यार मामला गंभीर है, मैंने उनसे पूछा कि क्या इस व्यक्ति ने आपको मीटिंग में बुलाया, बोले साहब बुलाया, इसने आपकी टिकट ली, बोले साहब ली। फिर मैंने कहा यार तुम इसके साथ ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे, उसने कहा कि मैं इसके साथ में मीटिंग में बैठा था, मीटिंग में हर व्यक्ति तालियां बजा रहा था, इससे मीटिंग में ताली नहीं बज रही थी, मेरे को रॉयल्टी पे कैसे लेके जा सकता। सो आपके सामने ये प्रॉब्लम ना आ जाए, बाहर जाके कोई डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए आपके साथ में ज्वाइन करने से मना कर दे कि तुमसे ताली नहीं बजती, मैं तेरे साथ नहीं ज्वाइन करूंगा। यस, याद रखना इस चीज को, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर अप्लायंस से समझौता करवाओगे कि साहब क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति जुड़ने से पहले ये देखता है कि ये व्यक्ति खुश रहता है, ये उत्साही रहता है या नहीं रहता। दो बच्चे हैं, एक रो रहा है एक हंस रहा है, आप किसके साथ में खेलना पसंद करेंगे, हंसने वाले के। आपके चेहरे पे अगर हंसे अच्छे भाव हैं, आप तालियां बजा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग आपके साथ में ज्वाइन करने के लिए तैयार रहेंगे। और तालियां इसलिए बजाएं, कोई व्यक्ति आपकी उत्साह को देख के बाहर जाके वैसे ही प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा आपका कोई कि यार इसके साथ ज्वाइन करो। तो तालियां बजाना घाटे का सौदा नहीं है। मैं आपको कह रहा था कि मैं बहुत सीरियस नहीं था इस बिजनेस को लेके, 3 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया, बहाने बनाए खूब सारे। 3 महीने के बाद ऐसे फंक्शन में आने के बाद मैं पहली बार मुझे लगा कि इस बिजनेस से लाखों रुपए महीना की इनकम आ सकती है, और दूसरी चीज मुझे लगी इस बिजनेस को मैं भी कर सकता हूं। वो इसलिए लगा क्योंकि स्टेज से एक व्यक्ति से मैंने रिलेट किया जिसकी बैकग्राउंड थी कि वो खेती करते थे,
बहुत बड़ी एजुकेशन उसके पास में नहीं थी, उसके बावजूद इस बिजनेस को वो बहुत सक्सेसफुली कर रहे थे और इस बिजनेस की वो रॉयल्टी स्टेज पे थी। उनको देखने के बाद मुझे लगा कि जब एक किसान जिसके पास में बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं है, पहले की भी एजुकेशन नहीं है, इस बिजनेस की भी एजुकेशन नहीं है, जब वो व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है, मैं निश्चित रूप से इससे तेजी से करके इससे पहले रॉयल्टी पे पहुंच सकता हूं। ये फीलिंग्स आई और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने स्टार्ट किया इसको, मन बनाया जब निकला हॉल से बाहर कि यस मैं इसको करूंगा, मन बना। कोई भी नया काम इतना आसान नहीं होता, ये बिजनेस नया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब मेरे पास ऑलरेडी बहुत अच्छा अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का, निश्चित रूप से बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं क्योंकि उनके पास में अनुभव है। मेरे पास में कोई अनुभव नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग का, मुझे नहीं पता था ये मल्टी लेवल मार्केटिंग। मैं तो इसी प्रश्न पे अटक गया था कि कपड़े की किट खरीदने से लाखों रुपए कैसे आ जाएंगे, यानी इस प्रकार की सोच थी, मुझे जानकारी नहीं थी इस प्रकार के बिजनेसेस को लेके। सो मेरे सामने और थोड़े ज्यादा बड़े चैलेंजेस थे, मुझे जानकारी नहीं थी, ये कारण था। दूसरा कारण था उस टाइम आरसीएम बिजनेस के पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे। तीसरा कारण था हमारे आसपास में कोई व्यक्ति ऐसा एग्जाम्पल नहीं था जिसको देख के हम रिलेट करें और हमें लगे कि ये 2000 कमा रहा है तो मैं भी कमा सकता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। और चौथी चीज, इस प्रकार की मीटिंग्स और गुरप्रीत सिंह जैसे लीडर्स प्लान देने वाले हमारे बीच में नहीं थे, बहुत बड़ा अभाव था इस प्रकार का। सो थोड़े मुश्किल रहे, थोड़े चैलेंजेस रहे। आश्रम बिजनेस ज्वाइन करने के 5 महीने बाद मेरी पहली इनकम आई थी 1560 रुपए की, 5 महीने के बाद। और अब तो स्थिति यह है, किसी का अगर 2 महीने चेक नहीं आता वो तीसरे महीने काम ही नहीं करता, कहता कि नहीं भैया बहुत सारी कंपनियां दूसरी में करूंगा, आरसी में तो आता है कुछ नहीं। लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि 5 महीने के बाद मुझे 1560 रुपए का चेक आया, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आरसी बिजनेस से मेरा पिछले महीने का चेक 6,50,560 रुपए का था। थैंक यू वेरी मच। पिछले 4 साल में बहुत कुछ दिया फ्रेंड्स इस बिजनेस ने। एक मिडिल क्लास फैमिली की बैकग्राउंड से आया हूं मैं, मेरे फादर टीचर थे, अभी रिटायर हुए हैं 2 साल पहले। घर में 3 बहन है 2 भाई, मिडिल क्लास फैमिली के जो चैलेंजेस होते हैं वो सारे के सारे फेस किए। जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूं उसकी 2 लाख की पॉपुलेशन है, आज से 4 साल पहले उस 2 लाख की भीड़ का एक हिस्सा था मैं भी। लेकिन इस बिजनेस की पावर है कि आज उस 2 लाख पॉपुलेशन के शहर में अगर कभी चर्चा होती है इस चीज की कि हमारे शहर की सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत, सबसे लग्जरी, सबसे महंगी गाड़ी किस व्यक्ति के पास में है, तो नाम आता है कि वो कार सिम बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सुरेंद्र वत्सम का नाम। मेरी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल को देख के ऑफिसर्स टकरा जाते हैं, वो देखते हैं 4 साल पहले तो इस नाम की कोई फर्म नहीं था, व्यक्ति नहीं था, ये कौन व्यक्ति कहां से क्या आ गया। और वो मेरे वकील से पूछते हैं कि भैया ये करते क्या हैं, और वो मेरे से वकील साहब कहते हैं मैंने उनको कुछ पढ़ाया हुआ है, क्योंकि वो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको मैंने बोला हुआ है कि जो बंदा तुम लेके आओगे वो तुम्हारी डाउनलाइन में जाएगा। वो कहते हैं कि साहब वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका हिंदुस्तान के 29 स्टेट में बिजनेस है, बहुत कम टाइम रहते हैं जिंद में, मैं प्रयास करके आपको 1 घंटा उनसे मिलवा सकता हूं, पूछ लेना क्या करते हैं। बड़े बड़े जो ईटीओज हैं वो मिलते हैं, टाइम लेते हैं, और उन 1 घंटे में मैं उनको बताता हूं कि ये आरसीएम बिजनेस है, ये फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, यहां पे आप 1500 रुपए की किट खरीदेंगे, 2 लोगों को जोड़ेंगे, उनके साथ में काम करेंगे और आप टेक्निकल बोनस पे पहुंच सकते हैं। फिर वो ज्वाइन करते हैं और काम करते हैं। जिस बैंक में मेरा अकाउंट है सारे के सारे एम्प्लॉइज, हेमंत शर्मा जी तो समझदार है, पहले ज्वाइन हो गए, बैंक वाले हैं सारे के सारे ज्वाइन। यूटीआई में मैंने पीछे अकाउंट खुलवाना था पानीपत में, जर्नली जो फॉर्मेलिटीज थी बहुत जल्दी में था, मैं अकाउंट खुलवा के आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं गया, एक व्यक्ति को मैं जानता था,
जैसे ही मेरा इंटर हुआ वहां पे सारा का सारा स्टाफ, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर सारे के सारे इकट्ठे हो गए और उनका भी यही प्रश्न था कि साहब आप करते क्या। मैंने उनको बताया कि बैठो मैं बताता हूं, और मैंने उनको बताया और एक दिन में सारा का सारा स्टाफ ज्वाइन हो गया, एक घंटे में। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहता हूं, इसलिए कर रहा हूं, आपके सामने चैलेंजेस, आपके सामने मुसीबतें, आपके सामने जो भी है वो तब तक है जब तक आपको सफलता नहीं मिलती। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, टेक्निकल बोनस पे पहुंच जाएंगे, आप आगे आगे होंगे और लोग आपके पीछे पीछे होंगे कि सर मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूं, मेरे को भी ज्वाइन करवा दो। बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत कुछ बदल गया है इस बिजनेस की वजह से। कई बार सोचते हैं, चार साल पहले देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, क्या थे चार साल पहले जब बिजनेस की शुरुआत की? एक स्कूटर था बजाज चेतक, वो भी पुराना सा, है क्या किसी के पास में बजाज चेतक? सबके घर में, अगर सबके घर में बजाज चेतक है तो 18 लाख की गाड़ी भी आ सकती है। बहुत कुछ हो गया उस चेतक की वजह से, रखा हुआ है घर पे, दो गाड़ियां बदली हैं वो भी सेफ हैं, ताकि लोग देखेंगे बाद में कि पहली गाड़ी ये थी मारुति 800 जिसको धक्के मार के चलाया जाता था, फिर ये दूसरे वाली ली, फिर तीसरे वाली ली। सो बहुत कुछ मिल रहा है। ये चीजें मैं आपसे इसलिए रिलेट कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, किस बिजनेस में बहुत बड़ी पावर है। अगर आप एक गंभीरता से डिसीजन लेके आज आप यहां से जाते हैं, ये सारी की सारी चीजें इस बिजनेस के माध्यम से आपको मिल सकती हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी विशेषता हमारी ग्रेट अपलाइन बीसी चावड़ा साहब अक्सर शेयर करते हैं कि अगर आप भारत का राष्ट्रपति बनना चाहेंगे तो बनना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि राष्ट्रपति के लिए एक पोस्ट है और एपीजे कलाम अब तक के सबसे अच्छे राष्ट्रपति साबित हो रहे हैं। यस, बड़ा मुश्किल है पहुंचना। प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे मनमोहन सिंह बैठे हुए वहां पे, पंजाब का सीएम बनना चाहेंगे बन जाएंगे, आसान है क्या? नहीं है। आप अपने पठानकोट का कमिश्नर या एसपी बनना चाहेंगे, शायद वो भी बनना मुश्किल है, क्योंकि एक पोस्ट है और आने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है। यस, लेकिन अगर आप आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल बोनस अचीवर बनने का एक ड्रीम लेके यहां से जाते हैं, यहां जितने व्यक्ति बैठे हैं सारे के सारे टेक्निकल बोनस पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप सबके लिए यहां पे सीटें खाली हैं। yes. कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको भी ये मिल सकता है सब कुछ, अगर आपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये बिजनेस किया, सकारात्मक सोच के साथ आपने किया। पैसा कमाना चाहते हैं साहब? बड़ा अजीब सा प्रश्न है, पूछ लेता हूं फिर भी हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं, सभी चाहते हैं। थैंक यू, एक बार तालियां बजाएं आपके लिए, आपकी बहुत अच्छी चाहत है। पैसा कमाने के लिए हम दो काम करते हैं। जे पॉल गेट्टी की मैंने एक बुक पढ़ी, रॉबर्ट कियोसाकी को मैंने पढ़ा बिजनेस स्कूल में, वो एक चीज लिखते हैं, पैसा कमाने के लिए हमारे पास में दो साधन है। एक साधन है कि हम जॉब करते हैं, कितने लोग करते हैं, मेरे सीधा हैंड्स, बहुत सारे करते हैं, थैंक यू। पैसा मिलता है जॉब से? मिलता है नहीं मिलता? यस, मिलता है। लेकिन जयपाल गेट्टी एक चीज और लिखते हैं कि पैसा कमाने के दो साधन है, जॉब और बिजनेस, लेकिन अमीर बनने का केवल मात्र एक साधन है, वो साधन है बिजनेस। जॉब से आप अमीर नहीं बन सकते, कम से कम ये तो गारंटी है। यस, यस। और ट्रेडिशनल बिजनेस से भी नहीं बन मिल सकते, जिस प्रकार के बिजनेस एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति करता है उससे भी आपको बहुत सारा पैसा नहीं मिलता। सो जॉब और बिजनेस में क्या होता है, ये चीजें मैं आज सोचता हूं कि अगर बचपन में मुझे पढ़ा दी जाती तो शायद मैं और कुछ होता, लेकिन शायद सही समय पर पढ़ाई गई है इसलिए मैं कुछ हूं यहां पर। हमारी जिंदगी में कौन घटना कब क्या घटती है उसके पीछे ऊपर वाले की बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। एक बार एक व्यक्ति था, उसको काम की तलाश थी, उसने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी कि किसी जगह पे एक
टॉयलेट अटेंडेंट की पोस्ट वैकेंट थी, वो वहां पे गया, जो वहां पे इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लेने के बाद में उन्होंने उसके सामने एक फॉर्म रख दिया और उसको भरने के बाद बोले कि आप इस पे अगर सिग्नेचर करेंगे तो आपको ये टॉयलेट अटेंडेंट की पोस्ट मिल जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे सिग्नेचर करने नहीं आते। उन्होंने कहा अगर आपको सिग्नेचर करने नहीं आते हम आपको ये नौकरी नहीं दे सकते। वो वहां से आया, रस्ते में उसने देखा कहीं फलों की दुकान थी, उस पर वो नौकरी करने लग गया। फलों की दुकान से कुछ देर के बाद उसने अपना खुद का एक फलों का काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो उसको आगे बढ़ाता गया और कुछ सालों के बाद वो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। उसके यहां से खरीदे हुए फल बाहर जाने लगे और बहुत बड़ा आदमी बनने के बाद में एक दिन किसी बैंक के साथ में उसकी बहुत बड़ी डील होने वाली थी। वो वहां पे गया उस बैंक में और उस डील करने के बाद में उस बैंक का जो सीनियर मैनेजर था उसने कहा कि आप यहां पे सिग्नेचर कर दें। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे सिग्नेचर करने नहीं आते। उस मैनेजर ने कहा कि तुम्हें पता है अगर तुम्हें सिग्नेचर करने आते तो तुम कहां होते। उसने कहा कि मुझे पता है कि मैं टॉयलेट अटेंडेंट होता। कहने का भाव यह है कि जब चीज जब भी हमें जो मिलती है वो सही टाइम पे मिलती है। ऊपर वाले की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। आपको अगर ये कुछ लोगों को लगता है कि यार 5 साल पहले अगर हम बिजनेस में जुड़ जाते तो पता नहीं क्या करते, मेरा ऐसा मानना कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि 5 साल पहले बहुत सारे लोग जुड़े थे वो नहीं कर पाए। ऊपर वाले की प्लानिंग थी कि 5 साल के बाद आज से बिजनेस पठानकोट में आएगा, एक मीटिंग में आप आएंगे, आप प्लान देखेंगे और 6 महीने के बाद आप इसी प्रकार के शानदार होटल में किसी स्टेज से कहेंगे कि 6 महीने पहले 4 अक्टूबर 2005 को होटल विनस में मैंने फंक्शन देखा था, मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस बिजनेस को करूंगा और उसका रिजल्ट है कि मैं आज आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी के मुकाम पे। सो ये उसकी प्लानिंग थी और शायद उसी की प्लानिंग थी कि ये चीजें मेरी बाद में समझ में आई। जॉब और बिजनेस में क्या होता है फ्रेंड्स, जॉब अगर एक व्यक्ति 20 साल की एज में स्टार्ट करता है तो वो एक दो दिन या दो साल के लिए नहीं करता। एक सर्वे है कि 45 साल तक एक व्यक्ति काम करता है 20 साल की एज से अगर वो स्टार्ट करता है। जब वो 65 साल की एज में पहुंचता है वो काम करने लायक नहीं रहता, इसलिए वो छोड़ देता है। और उसके बाद घर में भी उसकी स्थिति कुछ अजीब सी हो जाती है। एक जॉब वाले की विडंबना देखिए, जब तक वो जॉब में होता है उसका हमेशा पहले नंबर लगता है। अगर घर में बहुत लोग हैं और एक बाथरूम है, सबसे पहले जॉब वाले को नंबर पड़ेगा, क्योंकि घर वाले कहेंगे लेट हो जाएंगे, पहले इसको नहाने दो, ब्रेकफास्ट सबसे पहले मिलेगा उसको। और जैसे ही ये 65 साल की एज में पहुंचता है सबसे पीछे, करना ही क्या है, खाना और नाना दो ही तो काम है, करते रहना, बच्चों ने स्कूल में जाना है, उसने ये करना है, ये करना है। सो इस प्रकार की स्थिति होती है 45 साल तक काम करने के बावजूद। और जॉब में जो सिचुएशन है फ्रेंड, मैंने एक बुक में पढ़ा, उसमें राइटर लिख रहे थे जिनका जॉब का बहुत अच्छा अनुभव था। जॉब वाले जरा ध्यान से सुने, मेरा भी एक्सपीरियंस है 1 साल का, और जिस राइटर ने ये लिखा है उनका जॉब का बहुत बड़ा अनुभव है। वो राइटर लिखते हैं जॉब जो लोग करते हैं वो विश्व के किसी भी कोने में है, वो इंडिया में है या अमेरिका में है, वो मंडे को वहां पे जाते हैं जहां पे वो जाना नहीं चाहते हैं, उन लोगों के साथ ऑफिस में बैठ के चाय पीते हैं जिनके साथ में वो चाय पीना नहीं चाहते हैं, और उस बॉस को सलाम करते हैं जिसके साथ वो अच्छे ढंग से बात भी नहीं करना चाहते। यस और नो? यस। फिर भी क्यों करते हैं, मजबूरी है? यस yes? अगर नहीं जाएंगे तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, बच्चों की फीस कहां से आएगी, पेरेंट्स का इलाज कहां से करवाएंगे, करना पड़ता है। वही टेबल, वही फाइल, वही बॉस, जिंदगी भर एक नीरस से जिंदगी करनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी पैसा नहीं मिलता। उसके बाद अगर हम बिजनेस में आए, जॉब में और बिजनेस में दोनों में एक कॉमन चीज है, जॉब वाला भी 45 साल काम करता और बिजनेस वाला भी 45 साल काम करता। और बिजनेसमैन की तो बड़ी जीव स्थिति होती है फ्रेंड्स। मैंने दोनों चीजें देखी हैं, मैंने जॉब किया 1 साल एक प्राइवेट स्कूल में और बिजनेस में हूं मैं पिछले 8 साल से। एक बिजनेसमैन अगर उसका एक अच्छा शानदार शोरूम है,
वो अगर 20 साल की एज में अपने शोरूम पे जाना शुरू करता है, उसका जो पहला दिन होता है वो जाता है अपनी दुकान के अपने शोरूम के स्टर को ऊपर उठाता है और दिन भर वहां बैठ के ग्राहकों का इंतजार करता है। अपनी शॉप में वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखवा लेता है कि ग्राहक मेरे लिए भगवान है, ग्राहक की संतुष्टि ही मेरा ध्येय है। यस, लेकिन अंदर से वो ये सोचता है कि ये जो आया है ना, इसकी जेब में जितने पैसे हैं सारे के सारे निकलवा लूंगा। यस, वो कहते हैं कि मुंह देख के टीका लगाते हैं। कार में आया तो ज्यादा मांग लूंगा, साइकिल पे आया तो सोचूंगा कि ज्यादा इसके पास नहीं होंगे कम ले लूंगा। यस यस, दिन भर वो यही काम करता है और रात में क्या करता है, जो सर ऊपर उठाया था उसको नीचे कर देता है और जाके घर पे सो जाता है। ठीक, दूसरे दिन क्या करता है, वो वही करता है। डलहौजी घूमने के लिए तो नहीं जाता, नहीं जाता। दो साल बाद क्या करता है, सर ऊपर नीचे। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 45 साल तक उसका एक ही काम है, सुबह आना स्टर ऊपर करना, रात को नीचे स्टर ऊपर, स्टर नीचे, स्टर ऊपर, स्टर नीचे। और ये भूल जाता है वो कि ऊपर वाले ने तुझे पैदा क्या क्यों किया है। उसकी समझ में शायद ये आता है कि ऊपर वाले ने एक ही काम सोचा है कि बेटा जाओ 20 साल की एज में तुझे काम दूंगा और एक ही काम है, जिंदगी भर स्टर ऊपर करते रहना, नीचे करते रहना, ऊपर करते रहना, नीचे करते रहना। और वो बिजनेसमैन बेचारा सोच भी नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है, फुर्सत ही कहां सोचने की। आप किसी को बुलाइए ना आज से बिजनेस की मीटिंग में, कहेगा टाइम नहीं है साहब, फुर्सत नहीं है। 4,000 रुपए महीना कमाने की फुर्सत है, जहां से 4 लाख मिल जाता है वो बात सोचने की फुर्सत नहीं है लोगों के पास। क्योंकि हमने अपने आप को सीमाओं में बांध लिया है, जो माहौल जो स्थितियां हमें हैं बस वो बढ़िया है, उससे हम निकलना नहीं चाहते। और न केवल मात्र निकलना नहीं चाहते, हमें नहीं लगता कि हम इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। सो ये स्थिति है फ्रेंड्स एक बिजनेसमैन की। एक बिजनेसमैन 45 साल तक काम करने के बावजूद अगर उसको पैसा मिल भी जाता है, उसने 20 लाख इकट्ठा कर लिया, वो उस पैसे का क्या करता, अपने बच्चों को छोड़ देता है और 20 साल की एज में जब उसका बच्चा होता है उसको वो काम सुनवा देता है। और उसका बच्चा क्या करता है, वो भी स्टर ऊपर स्टर नीचे, स्टर ऊपर स्टर नीचे। और वो उस 20 लाख को 50 लाख कर देता है और वो क्या करता है, वो अपने 20 साल के बेटे को दे जाता है कि बेटा बड़ी मेहनत से कमाया, इसको खोना मत। और वो भी अपने बात को पूरा करता है, वो भी स्टर ऊपर स्टर नीचे, वो उसको 50 लाख को 2 करोड़ कर देता है। यस, ऐसा ही होता है। यस, एक 65 साल की एज वाले व्यक्ति को अगर आप कहें कि आपने बहुत कमाया, 20 लाख रुपए कमाया, चलिए आप कुछ पैसा लें, अब इस पैसे का एंजॉय करें, क्या 65 साल की एज में एंजॉय करने के लिए कोई व्यक्ति मनाली या डलहौजी जाएगा? तो या तो अमृतसर जाएगा या हरिद्वार जाएगा, राम का नाम ले लें बस, ये बहुत बड़ी चीज है, बस उसके पास जाना है वो। ठीक है ना, सो सोच बदल जाती है उस एज में जाने के बाद में। सो फ्रेंड, इस प्रकार की स्थिति है। और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये जॉब और बिजनेस का जो सिस्टम है ये चूहा दौड़ है। क्या है, चूहा दौड़। वो कहते हैं कि जॉब और बिजनेस वाला जो ये चक्कर है, जो व्यक्ति एक बार इस चक्कर में फंसता है वो जिंदगी भर फंसा रहता है। जिस प्रकार से एक बिल्ली चूहे के पीछे लगी रहती है, इसी प्रकार से एक जॉब वाला और बिजनेस वाला पैसे के पीछे लगा रहता है, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, और जिंदगी भर उसको पैसा नहीं मिलता। ये स्थिति है हमारी। लेकिन ऊपर वाले का हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, उसने ऐसी कुछ प्लानिंग की, उसने एक ऐसे महान व्यक्ति के माइंड में एक कॉन्सेप्ट डाला, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट के जरिए हम इस चूहा दौड़ से बाहर निकल जाएं और ऐसे निकल जाएं, पैसे को अपना गुलाम बना लें, जितना आप चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा आएगा, उससे कम नहीं आ सकता। जानते हैं उस अवसर का नाम क्या है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, आरसीएम। एग्जैक्टली, आरसीएम ये कॉन्सेप्ट जो आज से 5 साल पहले स्टार्ट हुआ। और इस बिजनेस की पावर देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए। पैसा कमाने का एक साधन जॉब और बिजनेस, दूसरा साधन है आपके पास में आरसीएम बिजनेस। इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति किसी भी एज में अगर स्टार्ट करता है, उसको 45 साल काम करने की जरूरत नहीं है।
इस बिजनेस में उसको केवल मात्र 5 साल लगाने हैं। कितने साल? 5 साल। एक व्यक्ति अगर 20 साल की एज में इसको स्टार्ट करता है, 5 साल काम करके वो 25 साल की एज में रिटायर हो जाता है। या तो रिटायर तब होते हैं जब काम करने लायक नहीं रहते, और यहां पे रिटायर वो तब होता है जब जिंदगी में असली आनंद लेता है। उसके पास में टेंशन नहीं होती पैसे की, और सबसे बड़ी चीज उसके पास में समय की चिंता नहीं होती, जहां मर्जी जाए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे बीच में, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं करवाई है। लकी लोग, हाथ खड़ा करेंगे एक बार? बहुत सारे हैं, तालियां हो जाए एक बार। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपके लिए। हमारे राकेश शर्मा जी जिन्होंने टेक्निकल बोनस पे जाने के बाद में शादी करवाई, वो अक्सर एक चीज कहते हैं कि शादी करवानी है तो टेक्निकल बोनस पे जाने के बाद में करवाना। कुछ को लगेगा कि हिंदुस्तान में लड़कियों की वैसे ही शॉर्टेज चल रही है, और ये टेक्निकल पता नहीं कब आएगा, तब तक पता नहीं कोई लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी। चिंता मत करें फ्रेंड्स, जिस दिन आप आरसीएम बिजनेस के टेक्निकल बोनस के मुकाम पे होंगे, उस दिन आपको बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो केवल मात्र आपको ही ढूंढेंगे। इसलिए ढूंढेंगे, दो कारण है उसके पीछे, क्योंकि अगर उनको वो बुद्धिजीवी हैं और उनको पता है कि आरसीएम बिजनेस क्या है, आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल बोनस का लेवल क्या है, वो आपको इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि उनको पता है टेक्निकल बोनस पे जाने के बाद घर में पैसे की चिंता नहीं रहेगी। और दूसरा कारण जो बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए आरसीएम बिजनेस का एक टेक्निकल बोनस अचीवर ढूंढेगा, उसकी जानकारी में एक चीज क्लियर होगी, ये व्यक्ति अगर टेक्निकल बोनस पे है, पिछले कुछ टाइम से आरसीएम बिजनेस कर रहा है, आरसीएम बिजनेस ने इसके अंदर इतने अच्छे संस्कार पैदा किए होंगे, ये कभी भी मेरी बेटी को दुखी नहीं करेगा, वो खुशी के साथ में रहेगी जिंदगी भर। ये एजुकेशन मिलती है फ्रेंड्स इस बिजनेस से। आप पढ़ें बिजनेस स्कूल रॉबर्ट कियोसाकी की, बिजनेस स्कूल बहुत यूनिक बुक। उस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेसेस हैं, इनको ज्वाइन करने के 8 फायदे हैं। वो कहते हैं कि 8 छुपे हुए फायदे जो आपको दिखाई नहीं देते, और उन 8 फायदों में से सबसे बड़ा फायदा वो बताते हैं, इस बिजनेस के माध्यम से आपको जिंदगी बदलने वाली एजुकेशन मिलती है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देती है। आप कोई भी अगर जॉब करते हैं उसमें आपकी इनकम चेंज होती है, आप 5,000 कमाते हैं 7,000 मिलने लग जाएंगे, 10,000 मिलने लग जाएंगे, लेकिन इस बिजनेस की पावर है ये आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी को चेंज कर देता है। न केवल मात्र पैसा अपितु एक बहुत अच्छी सोच आपके अंदर डेवलप करता है, उस सोच की वजह से आपको बहुत आत्म संतुष्टि और मानसिक शांति मिलती है जो केवल मात्र इस बिजनेस से मिल सकती है। दूसरे किसी बिजनेस में अगर आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे, वो पैसा आपको साथ में बहुत सारी टेंशन लेके आएगा। यस, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि एक करोड़पति व्यक्ति था, होटल से गिर के उसने सुसाइड कर लिया। एक बहुत अच्छी फिल्म स्टार थी, सुसाइड कर लिया। क्यों? टेंशन है उस पैसे में। लेकिन आरसीएम बिजनेस में अगर 2,000 भी आए हैं तो भी संतुष्टि देते हैं, 2,00,000 आए हैं तो भी संतुष्टि देते हैं, और 1,20,00,000 रुपए आए हैं तो भी संतुष्टि देते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत कुछ मिलता है, आप लकी हैं। आप अगर 5 साल के बाद आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके सामने। अब तो जो लड़की मिलेगी उसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि डरते हैं आप घर वाले, है ना, यू नो। और न केवल मात्र आपको अच्छी लड़की मिलेगी, आपको एक चीज और मिलेगी, आप अपनी उस दुल्हन को जिस गाड़ी में लेके आएंगे किसी टैक्सी स्टैंड से हायर नहीं करनी पड़ेगी, आपकी गाड़ी आपके शहर की सबसे लंबी, सबसे खूबसूरत और सबसे लग्जरी गाड़ी होगी। तो आप एक डिसीजन लेके जाएं आज यहां से,
ये बिजनेस क्या है, कैसे ये काम करेगा, वो बात की बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। लेकिन एक डिसीजन लेके जाएं, ये 45 साल की जिंदगी अच्छी है या 5 साल की? 45 साल या 5 साल? 45 साल या 5 साल? 5 साल। और ये 5 साल के लिए ये जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं जाते ही रिजाइन कर दो कि भैया 5 साल वाली चाहिए हमें, 45 साल की तो नहीं नहीं ना बाबा ना। और ये भी नहीं है कि स्तर ऊपर नीचे की बात आपने सुन ली तो जाते ही लोग कर दो कि नहीं स्तर ऊपर नीचे के लिए पैदा नहीं हुआ मैं। करो थोड़े दिन और करो, तब तक करो जब तक आपके जॉब से आपके बिजनेस से जितनी इनकम मिलती है उतनी इनकम आज से बिजनेस नहीं दे देता। जिस दिन उतनी मिल जाएगी अपनी अप्लायंस से डिस्कस करके आप डिसीजन लेना, उससे कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हो अगले कुछ महीनों में। यस। और ये 5 साल का जीवन फ्रेंड बहुत उत्साह का जीवन है, बहुत आनंद का जीवन है, बहुत एक्साइटमेंट का जीवन है। आरसीएम बिजनेस अगर किसी व्यक्ति ने 3 महीने पहले ज्वाइन किया है, वो कहता है कि सर 3 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया था, इस बिजनेस से मुझे कोई इनकम नहीं आई, कोई चेक नहीं आया, लेकिन इन 3 महीनों में इस बिजनेस को करते हुए मुझे मजा आ रहा है, मुझे पता लगा कि जिंदगी के मायने क्या है, जिंदगी जीना चाहता हूं इसलिए करूंगा तो आरसीएम बिजनेस करूंगा। ये फीलिंग आती है फ्रेंड्स इस बिजनेस से। हम सुबह होशियारपुर थे, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स, उन्होंने शेयर की ये चीज कि मैं पिछले 20 साल से जॉब में हूं, एक बहुत बड़ा अधिकारी हूं, लेकिन आज तक किसी ने मेरे लिए तालियां नहीं बजाई। ये आरसीएम बिजनेस है जो मेरे तालियां भी मेरे लिए बजाता है और मेरा उत्साह भी बढ़ाता है। कहीं सम्मान नहीं मिलता, ये आरसीएम बिजनेस आपको सम्मान देता है। ये 5 साल की जिंदगी एक बहुत आनंद की जिंदगी है। इसमें क्या क्या आपको काम करने पड़ेंगे इस बिजनेस के टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए? टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं? Yes! आर्थिक आजादी प्राप्त करना चाहते हैं? Yes! चाहते हैं? Yes! Yes! जो मैंने सीखा है, मेरी ग्रेट अपलाइन की जो डायरेक्शन मुझे मिली है, वो कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। इस बिजनेस का जो टॉप लेवल है टेक्निकल बोनस, जहां पे जाने के बाद कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से आजाद हो जाता है, पैसे की उसको चिंता नहीं रहती, टेक्निकल बोनस वो मुकाम है। अगर आप अपनी पत्नी को आरसीएम बिजनेस के पिकअप सेंटर पे साड़ी खरीदने के लिए लेके जाएंगे और आपकी पत्नी अगर ये कहेगी कि इन दोनों में से कौन सी खरीदूं, आप कहेंगे कि अगर 6 है तो 6 की 6 खरीद लो, हर रोज बदल बदल के पहनना। वो जो कंप्रोमाइज वाली जिंदगी है वो खत्म हो जाती है। फिर बच्चे को कहते हैं ना, बाजार से बैट लाने की क्या जरूरत है, सचिन तेंदुलकर भी वो लकड़ी के साथ में खेलता था, है ना, जिससे कपड़े धोते हैं। ठीक, हम कंप्रोमाइज करते हैं लेकिन टेक्निकल पे कंप्रोमाइज नहीं होता। उस पे जाने के लिए करना क्या है बताऊं? दो काम करने हैं। कितने काम? दो। पहला काम करना होता है, आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर लेना होता है। ले लिया? Yes. कितनों ने लिया? बहुत सारे ने लिया। अरे जोरदार तालियां आपने लिया। आधा काम हो गया आपका, 50% कंप्लीट। अब 50% और बचा है, वो 50% पता है क्या है? अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना, अपना एक गोल बनाना है, किस बिजनेस से क्या चाहिए। जब गोल बनाना ही है तो कम से कम टेक्निकल बोनस तो होना ही चाहिए। यस। yes. ये टेक्निकल बोनस आपकी एक महीने की इनकम है यहां पे 50,000 रुपए की, और आपके घर में यहां पे आ जाएगी एक क्या जाएगी? कार। बचपन में मेले से खरीद के लाते थे, बड़ा प्यार करते थे कार से, नकली ही सही। और 20 साल की एज तक आते आते उसके दो पहिए गायब हो जाते हैं। यस। स्कूटर या बाइक आती है, और फिर बच्चे जब पढ़ने लग जाते हैं बाइक वो खरीद लेते हैं, एक लंबे पहियों वाली बाइक साइकिल आ जाती है। यस। यस। अगर वो फीलिंग्स आप लेके आए उस कार से, अगर आज भी आप उतना ही प्यार करते हैं जितना बचपन में करते थे, और आप चाहते हैं कि वो आपके पास में आए, तो उस सपने पे, उस सपने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। कर सकते हैं? यस। yes. पहले आपने निर्धारित करना पड़ेगा कि आप टेक्निकल बोनस पे जाना चाहते हैं, कितना टाइम पीरियड लगेगा, कितना लेना चाहते हैं। आप कहें कि साहब 1 महीने में जाना चाहता हूं, 1 महीने में नहीं जाया जाएगा, क्योंकि उसके लिए कंडीशन है 3 महीने आपको 6% रॉयल्टी में रहना पड़ेगा। ठीक।
आप अपना टारगेट निर्धारित करें अपनी सीनियर अप्लायंस के साथ में बैठ के, उसको कहें कि साहब टेक्निकल चाहिए 50,000 रुपए महीना की इनकम और एक कार चाहिए, डिस्कस करके एक समय निर्धारित कीजिए, ये एक साल बाद चाहिए, डेढ़ साल बाद चाहिए, दो साल बाद चाहिए, डेट लिख दीजिए। लिख सकते हैं? जिस दिन लिख देंगे, और न केवल मात्र आप लिखें, लिख के खुद सिग्नेचर करें, और जो आपका परिवार अगर आज नेगेटिव है ना, डरते ही डरते सही उसको बुलाइए, उसको बड़ा अजीब लगेगा जब आप कहेंगे कि हम कार लेने वाले, वो शायद किसी पंडित के पास में जाएंगे, कहेंगे कि झाड़ा लगा दो, हो गया कुछ इनको, होटल वेनिस में गया था पता नहीं क्या पढ़ा दिया है ना। यस, लेकिन आप उनको बोलिए कि एक बहुत बड़ी चीज मुझे मिली है, आपकी बातों से लगना चाहिए, एक बहुत बड़ी चीज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है जिससे मैं अपने सारे के सारे सपने पूरे करूंगा, और इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। हमने टारगेट लिया है कि 2 साल के बाद हम टेक्निकल बोनस पे जाएंगे, 50,000 रुपए महीना की इनकम है, हम कार लेंगे एक अपनी शानदार, उसमें घूमने के लिए जाएंगे, आपने केवल मात्र इतना काम करना है, इसके नीचे सिग्नेचर कर दो। करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, करवाएं, बच्चों के भी करवा लें, उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक। और जब बच्चे ज्यादा तंग करें, पत्नी ज्यादा तंग करें, वो दिखा देना, कार चाहिए या नहीं चाहिए? यस, चाहिए। क्योंकि आप इन्वॉल्व करेंगे, कई बार ना हम बहुत स्मार्ट बन जाते हैं कि यार हम खुद कर लेंगे, जो करेंगे, जरूरत ही नहीं किसी से बात करने की। उनको बताइए आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको मिल सकता है, उनको आप फंक्शन में लेके आइए। सो आप जो भी अपना ड्रीम तय करें, ये लक्ष्य आप तय करते हैं अपनी फैमिली के साथ में, इसको कीजिए। और करने के बाद में आपने एक काम और करना है, जिस दिन आप ये लक्ष्य तय करें, 50% आपका काम हो गया, 50% आपका बाकी है, और ये काम जो आपने करना है, अपने आप से एक प्रोमिस करना है, अपने आप से एक वायदा करना है, खुद से एक संकल्प करना है कि मैं आज इस डेट को आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूं, या इस डेट को मैं एक संकल्प लेता हूं कि मैं इस बिजनेस को तब तक करता रहूंगा जब तक मैं टेक्निकल बोनस पे नहीं होऊंगा, 50,000 रुपए महीना की इनकम और कार मेरे घर में नहीं आएगी, तब तक मैं इस बिजनेस को करता रहूंगा। ले सकते हैं संकल्प? कहते हैं संकल्प में पावर होती है, और निश्चित रूप से होती है, मैंने महसूस किया है इसको। अगर आपका संकल्प स्ट्रांग है तो कुछ लोग तो वैसे ही भाग जाएंगे आपके संकल्प की आवाज सुन के, कहेंगे कि भैया ये जरूर लेगा, और जब आएगा, इसकी आएगी तो मेरी भी आ जाएगी, मैं भी लग जाता हूं इसके साथ में। और आपका संकल्प ही नहीं है, आप किसी के पास में जाते हैं और आपको पता नहीं, वो तरह तरह की बातें बताता है, वो कहता है कि भैया बहुत आई बहुत गई, आप कार की बात करते हैं, वो कहते हैं कि तेरी स्कूटर भी बिक जाएगी, फिर आपको लगता है कि यार पंगे में पड़ गया, वो संकल्प टूट जाता है फिर आपका। सो आप एक संकल्प करें, अगर आपने संकल्प कर लिया कि मैं इस बिजनेस को तब तक करूंगा जब तक टेक्निकल बोनस पे नहीं पहुंच जाता, अब आपने क्या करना है, यहां से यहां तक का, शुरुआत से लेके मंजिल तक का जो बीच का सफर है वो तय करना है, केवल मात्र इतना सा काम है। अगर एक बच्चा स्कूल में जाता है, मैट्रिक क्लास में एडमिशन लेता है, वो 10th में, पहले दिन जब वो एडमिशन लेता है उसका एक लक्ष्य होता है, यस और नो? यस। उसका लक्ष्य होता है कि मैं इस क्लास को बहुत अच्छे अंकों से पास करूंगा, मेरी एक पोजीशन आएगी। इस लक्ष्य को लेके वो क्या करता है, काम करता है। क्या काम करता है? वो स्कूल में जाता है। यस yes? yes. बगैर में स्कूल में जाए से तो शायद अच्छे अंकों से पास नहीं हो सकता, सहमत है आप? यस yes. और जब वो स्कूल जाएगा, स्कूल जाने में भी उसके दोनों प्रकार के अनुभव रहेंगे। किसी दिन वो स्कूल में जाएगा, टीचर सारी क्लास में उसको शाबाशी देगी कि यस आप भी विकास की तरह बन जाएं, इसकी तरह होमवर्क करके लाएं, ये बहुत अच्छा लड़का है। और किसी दिन जब आप काम नहीं करेंगे, मैडम आपको खड़ा करके 4 चाटे भी लगाएगी। यस। किसी दिन आप जाएंगे मौसम अच्छा होगा, किसी दिन जाएंगे बारिश में भीगते हुए जाएंगे। यस यस। ये प्रोसेस है, कोई भी काम करें ये लगा रहता है, अच्छे और बुरे दिन, अच्छी फीलिंग और पॉजिटिव जो फीडबैक है वो आती रहती है, वो रहता है हर काम में, और वो यहां पे भी रहेगा। किसी दिन आप जाएंगे, जिस व्यक्ति से बात करेंगे सारे के सारे ज्वाइन कर लेंगे। कई लोग रात को 12 बजे तक काम करते हैं। मैंने पूछा एक दिन, भैया कहां हो? बोले साहब प्लान देने के लिए जा रहा हूं। मैंने कहा यार 11:30 बजे में क्यों? बोले आज का दिन बहुत लकी है जिससे बात की सारे के सारे ज्वाइन हो रहे हैं, 12 बजे तक काम करूंगा आज तो। कई बार अच्छी फीलिंग्स होती हैं, कई बार ऐसी फीलिंग्स भी आएंगी, आप बहुत एक्साइटेड होकर जाएंगे,
कि यस डलहौजी में तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और जम्मू में तो वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो और मैं मिलकर कमाल कर देंगे, पूरे जे एंड के पे कब्जा कर लेंगे। आप वहां पे जाते हैं और आपका दोस्त आपसे कहता है कि भैया तेरा पहले वाला काम ठीक नहीं चल रहा क्या, इस प्रकार के बेकार के पंगों में पड़ गए। और फिर आपको लगता है कि यार, है ना, कुछ फीलिंग होती है अजीब सी। यस यस, वो आपके साथ भी होती होगी निश्चित रूप से, मेरे साथ बहुत बार हुई है। सो ये प्रोसेस है, ये आपको बीच में करना पड़ेगा। एक हमारे बहुत अच्छे लीडर जिन्होंने आज से 3 साल पहले आपसे बिजनेस में प्रवेश किया, काम किया 3 साल तक और इतना काम किया कि 3 साल में हिंदुस्तान के सबसे प्रिय लीडर के रूप में वो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाने जाने लगे। लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर है वो होता है, वो 2 सितंबर को हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन वो अक्सर एक चीज बोलते थे, वो अक्सर एक चीज कहते थे कि इंसान चलता है तो गिरता है, इंसान चलता है तो गिरता है, ये प्रोसेस है। और जब आप चलेंगे तो गिरेंगे, और जब भी गिरें एक काम करना, आप जल्दी से उठ जाना। क्या करना? उठ जाना जल्दी से। अगर आप उठेंगे, जितनी जल्दी से उठेंगे उतनी जल्दी आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। और ये मैसेज हर अवतार ने दिया है, कृष्ण ने भी दिया, नानक ने भी दिया, मोहम्मद ने भी दिया, ईशा ने भी दिया, कि जब मैंने चलना सीखा था चलने से पहले मैं गिरा था, मैंने गिर गिर के चलना सीखा है। आप भी किसी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हो, बगैर गिरे आपको चलना नहीं आएगा, बगैर असफलता के कभी सफलता मिल ही नहीं सकती कहीं। सो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। आपका गिरना क्या है? आपका गिरना है आप जाएंगे, आप बहुत एक्साइटेड हैं, 4 लोगों से बातचीत करेंगे, 4 के 4 मना कर देंगे। वो हो सकता है इस बिजनेस में आपका पहला गिरना हो, जो आपके स्पेशली नजदीकी लोग, जब हम प्रिपेयर होके जाते हैं ना कि यार वहां जाके तो ये कर देंगे, वहां तो इतनी अच्छी मीटिंग होगी, और आपको पता लगता है कि जिसने मीटिंग रखवानी थी उसने होटल ही बुक नहीं किया, वहां पे तो शादी चल रही है। आपको लगेगा कि यार कैसे हो पाएगा ये बिजनेस। सो जब भी आपको ऐसा लगे, जब भी ऐसी फीलिंग आए, जब भी आपके अंदर नेगेटिविटी आए, आप समझना कि आप गिर गए हैं। और उससे उठने के लिए एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको उठाएगी, वो है टेप्स। जिस दिन सबसे ज्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर में आए उस दिन जाके एक टेप सुन लेना। पंडित जी की एक बहुत यूनिक टेप है, रफ्तार छावड़ा साहब की टेप है, सोचिए और अमीर बनिए। और कोठारी साहब की एक बहुत यूनिक टेप जो बहुत बड़ा मोटिवेशन देती है, सफलता के 5 सूत्र। हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं अत्री साहब, उनकी टेप है कामयाबी का राज। बहुत सारे लीडर्स की टेप्स आपको मिलती हैं, वो टेप्स पहले आप एक टेप सुने। एक टेप से अगर आपको लगता है कि हिम्मत नहीं हो रही है किसी से बात करने की, दूसरी और सुन लें। और दूसरी से भी अगर हिम्मत न जुटा पाए, सोने से पहले तीसरी टेप अपने रिकॉर्डर में लगा के सो जाना। रात में सपने में आप भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आलसी बिजनेस का मार्केटिंग प्लान बता देंगे। आप कहेंगे कि सर अगर हिंदुस्तान में आर्थिक आजादी लानी है तो आरसी माइनस ज्वाइन कर दो सबको, सारे के सारे रॉयल्टी और टेक्निकल पे जाएंगे, ये मिडल मैन का पैसा अगर आम व्यक्ति में बंटने लग जाएगा, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाएगा, हर व्यक्ति के पास में पैसा आ जाएगा। आरसी माइनस क्या करता है? 20% लोगों का पैसा 80% लोगों में बांटता है। और जिस दिन वो बट जाएगा सभी एक समान हो जाएंगे, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी। यस और नो? यस। सो ये टेप्स आपको उठाएंगी, जब जब आप गिरें इन टेप्स का सहारा लें। जब ज्यादा नेगेटिविटी है उतनी ज्यादा टेप्स सुने। जर्नी लोग परेशान होकर छोड़ देते हैं कि भैया मैं तो नेगेटिव हूं, कई कहते हैं साहब मैं तो नेगेटिव हो गया। अरे भैया टेप सुन लो, और जब नेगेटिव होता हूं कहता है कैसे सुनू, पैसे नहीं है। सो ये टेप आपको उठाएंगी। दूसरी चीज, जब हम काम करते हैं आगे बढ़ते हैं, कई बार हमें लगता है कि मेरे सामने जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, वो बहुत अच्छी नहीं है, इन हालात में मैं कैसे काम करूं, क्योंकि मेरी फैमिली विरोध कर रही है, क्योंकि मेरे सामने फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, मेरे साथ में जो लोग आते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में मैं क्या करूं। इन परिस्थितियों में अगर आप एक बुक पढ़ेंगे
वो बुक आपको प्रेरणा देगी, वो बुक आपको बताएगी आपसे विपरीत परिस्थितियां तो कृष्ण के पास में थी, जिनका मामा उनके पैदा होते ही उनको मारने के लिए उनके पीछे पड़ गया था। वो बुक आपको बताएगी विपरीत परिस्थितियां थी तो नानक के साथ थी, विपरीत परिस्थितियां थी तो मोहम्मद के साथ थी, विपरीत परिस्थितियां थी तो महात्मा गांधी के साथ थी, जिन्होंने एक लाठी के सहारे हिंदुस्तान को आजाद कराने का बहुत बड़ा संकल्प लिया था। और उस बुक में जब आप अब्राहम लिंकन की स्टोरी सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो 20 साल की एज में जब उसने काम स्टार्ट किया वो जिंदगी में लगातार असफल होता रहा, 45 साल की एज में लगातार असफलता, नाकामयाबी, दूर दूर तक भी कोई आशा की किरण जिस व्यक्ति की जिंदगी में नहीं थी, उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी, वो चलता रहा, वो बढ़ता रहा और उसका परिणाम था एक दिन वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। और आपको लगेगा कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति ना सही, आरसीएम बोनस के टेक्निकल बोनस तो जरूर बन जाएंगे। ये बुक आपको मोटिवेट करेंगे फ्रेंड्स। मैं जो कुछ हूं सबसे बड़ा योगदान है उसके पीछे बुक्स का, उनसे मैंने पढ़ा, अपनी सोच को बड़ा किया और लगा कि जिस व्यक्ति को आज हम बुक में पढ़ते हैं उसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने कठिन परिस्थितियों में काम किया है। उसके पास में एक ही गुण था, कोई भी था वो, जो कठिन परिस्थितियों में छोड़ के चला गया उसको उसके घर वाले भी नहीं जानते, 3 दिन के बाद में भूल जाते हैं लोग। यस, कितने लोग हैं जो अपने दादाजी के दादाजी के दादाजी को जानते हैं? बहुत कम है। अब्राहम लिंकन को क्यों जानते हैं? कुछ करके गए, क्यों किया? कठिन परिस्थितियां थी। यस यस, ये बुक आपको मोटिवेट करेंगी। और उसके बाद जब आपके सामने सबसे बड़ी निराशा है, आपकी मंजिल को तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान रहेगा एक तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज, वो है फंक्शन। इस प्रकार की मीटिंग्स आप किसी के ड्राइंग रूम में जाके किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं, वो आरसीएम बोनस का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। अगर आपने उस व्यक्ति को लीडर बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति की टेक्निकल बोनस का बेस बनना स्टार्ट हो जाए, उसको इस प्रकार के माहौल में बिठाना पड़ेगा ताकि उसके दिमाग में 1,00,000 रुपए महीना कमाने की बात घुस पाए। लेके आना पड़ेगा आपको, लोगों को ला सकते हैं। ये जो मीटिंग्स होती हैं, ये इस प्रकार के फंक्शन होते हैं, ये लीडर्स पैदा करते हैं। यहां से शुरुआत होती है, कोई व्यक्ति डिसीजन लेके जाता है, गंभीर डिसीजन कि यस आज मेरी समझ में आ गया, मैं करूंगा, और निश्चित रूप से वो करता है और उसका रिजल्ट रहता है। कुछ टाइम के बाद लोग उसको मुकेश कोठारी रूप के रूप में जानते हैं, कुछ लोग उसको सतीश पंडित के रूप में जानते हैं, कुछ लोग एस अत्री के रूप में जानते हैं, तो कुछ लोग राकेश शर्मा और प्रमोद गुलाटी के रूप में उनको जानने लग जाते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार की मीटिंग्स की पैदावार होते हैं। यस, फंक्शन अल्टीमेट है, एक बहुत बड़ा फंक्शन है हमारा, जिसकी पर्सनली न केवल मात्र में हर व्यक्ति उस फंक्शन की वेट में रहता है। दिवाली साल में एक बार आती है, यस और नो? यस। आपको दिवाली की जितनी खुशी होती है उससे कहीं ज्यादा खुशी व्यापारियों को होती है, क्योंकि उनको पता है कि इस एक महीने में उतनी सेल होनी है जितनी 11 महीने में नहीं हुई। यस, वो बहुत उत्साहित रहते हैं। और हमारे आरसीएम बोनस में भी जो दिवाली होती है, जो सबसे ज्यादा बोनस और सबसे ज्यादा अचीवमेंट आती है, वो एक फंक्शन होता है एनिवर्सरी फंक्शन, साल का सबसे बड़ा फंक्शन। और अब तक का अनुभव ये बताता है कि जितनी अचीवमेंट्स 11 महीने में मिलती हैं उससे कहीं ज्यादा अचीवमेंट्स जिस महीने में फंक्शन होता है उससे अगले महीने मिल जाती हैं। वो एनिवर्सरी फंक्शन बहुत जल्द 5 दिन बाकी हैं, अभी 9 अक्टूबर को हो रहा है, बहुत सुंदर शहर जिसको विदेशों से लोग देखने के लिए आते हैं, पिंक सिटी जयपुर। यस, कितने लोगों ने देखा है? थैंक यू, कम संख्या है। हिंदुस्तान में रहते हुए कम से कम जयपुर को जरूर देख लें, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति विल क्लिंटन कई बार देखने के लिए आ गए। यस, जो वो इतना पैसा लगा के देख सकते हैं हम भी देख सकते हैं। यस यस, सो दोनों काम होंगे।
आप जयपुर भी देखेंगे और आज से बिजनेस का एक फंक्शन देखेंगे, उससे गंभीर डिसीजन लेके आएंगे आप। सो ये जो फंक्शन है ये अल्टीमेट है, यहां से यहां तक चलने का आपने सफर तय करना है, बस केवल मात्र इतना काम है। कर सकते हैं इसको? यस। और अंत में मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि जो जॉब और बिजनेस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उन दोनों का जो डिजाइन किया गया है, उन दोनों का डिजाइन जिंदगी में ऐसो आराम प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया। जॉब और बिजनेस का जो ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे हैं, उनका डिजाइन किया गया है केवल मात्र दाल रोटी पैदा करने के लिए, एक आम सी जिंदगी जीने के लिए उन दोनों चीजों को बनाया गया है। और जिस चीज की जिस प्रकार की बनावट होती है वो उसी प्रकार से काम करती है। हवाई जहाज देखा आपने? हवा में उड़ता हुआ तो देखा होगा निश्चित रूप से, मैं भी बहुत देखता था उड़ते हुए। अब आरसीएम बिजनेस में आने के बाद में फर्क केवल मात्र इतना पड़ा, पहले दूर से देखता था और अब लगभग एक महीने में 5 से 7 बार ट्रेवल करता हूं आरसीएम बिजनेस की मीटिंग के लिए। हवाई जहाज का जो निर्माण होता है किस लिए होता है? उड़ने के लिए। यस। कहां पे उड़ने के लिए? जमीन पे, हवा में उड़ने के लिए। यस। हवा में उड़ने के लिए हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, बनाया गया उसको। इसलिए जो ट्रेन होती है, ट्रेन कहां पे चलने के लिए बनाई जाती है? पटरी पे, ट्रैक पे चलती है। यस। जो कार है, बेहतरीन कार कहां के लिए बनती है? रोड पे चलने के लिए। अगर आप दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेन जिसमें सबसे पावरफुल इंजन लगा हुआ है, उस ट्रेन को अगर एक हाईवे पे खड़ा कर देंगे, नेशनल हाईवे 1 आपके पास में है, ज्यादा दूर नहीं है, अगर नेशनल हाईवे 1 पे अगर खड़ा कर देंगे, वो दौड़ पड़ेगी क्या? नहीं चलेगी, जो रोड है उसको भी खराब कर देगी। अगर आप उसी ट्रेन के साथ में एक बैलगाड़ी को खड़ा कर देंगे, बैलगाड़ी, वो बैलगाड़ी उस ट्रेन से आगे जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। यस और नो? यस। आपकी जो जॉब है ना, जिसमें आपको लगता है कि मैं 20,000 रुपए महीना कमाता हूं, मेरे ऑफिस के 50 लोग मुझे सल्यूट करते हैं, मेरी कलम में बहुत पावर है। आप में पावर है, लेकिन आपकी जो ट्रेन है ना वो हाईवे पे खड़ी है, उसमें बहुत कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान, आपको एक बैलगाड़ी नजर आता है, लेकिन ये जब स्पीड से चलती है, बड़ी बड़ी ट्रेनों को पीछे छोड़ के कहीं आगे निकल जाती है। इसका डिजाइन 500 रुपए महीना कमाने के लिए नहीं हुआ, 2000 और 5000 के लिए भी नहीं हुआ, इसका डिजाइन किया गया है रॉयल्टी पे जाने के लिए, इसका डिजाइन किया है आर्थिक आजादी प्राप्त करने के लिए, इसका डिजाइन किया गया है आपके शहर के लोग आपकी चर्चा इस बात को लेके करें कि आपके शहर की सबसे बड़ी गाड़ी, सबसे खूबसूरत बंगला और सबसे अच्छी सोच का अगर कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति है, और वो इसलिए है क्योंकि वो आरसीएम बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर है। तो कामयाबी के लिए डिजाइन किया गया है ये आरसीएम बिजनेस, सब कुछ मिलेगा। ये एक ऐसा पैकेज है जिसमें आपको पैसा मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको रिलेशनशिप मिलेगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, वो सारी की सारी चीजें जो कहीं पे नहीं मिलती वो यहां पे मिलेंगी। तैयार है लेने के लिए? आर यू रेडी फॉर दैट? तैयार है? यस। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप चलें, मंजिल तक पहुंचने से पहले रुकना मत। 4 लोग मना करेंगे तो चल सकते हैं? Yes. 10 लोग मना करें तो भी चलेंगे? Yes. अगर 20 लोग बोलें कि हम नहीं करेंगे तो भी चल सकते हैं क्या? Yes. चल सकते हैं? Yes. अगर चल सकते हैं तो आपकी जगह वहां पे नहीं है, आपकी जगह स्टेज पे होगी और एक बहुत बेहतरीन माइक और स्टेडियम आपके बीच में होगा। उसके लिए केवल मात्र एक काम करना है, आप रोड पे अगर चलते हैं, आप देखते हैं कि कई लोगों का रोड क्रॉसिंग में एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन आप एक चीज चेक करना, कभी भी किसी अंधे व्यक्ति को रोड एक्सीडेंट में आप मरा हुआ नहीं पाएंगे।
क्या कारण है कि अंधा बच जाता है और दिखने वाले एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि अंधा व्यक्ति जब रोड क्रॉस करता है, रोड क्रॉस करने से पहले वो एक ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ लेता है जिसको दिखता है, और वो अंधा व्यक्ति उस पर विश्वास कर लेता है, उस विश्वास के कारण वो रोड क्रॉस कर जाता है। अगर आपको कामयाबी चाहिए, केवल मात्र एक सूत्र है, आपके जो सीनियर अपलाइन है, जो आपकी हेल्प करने हैं, उनका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लो, आंख मीच लो, अपने माइंड का इस्तेमाल मत करो, और उनको बोलो कि जब तक टेक्निकल बोनस पे मैं नहीं पहुंचता अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर आपने उन पे बिलीव कर लिया, टेक्निकल से पहले रुकने वाले नहीं हो आप। यस, सो फॉलो द एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, उनको फॉलो करें आप लोग, बहुत जल्द सारी की सारे वो ड्रीम्स जो आपके सो चुके हैं उनको जगाएं, आपके बड़े से बड़े सपने इस बिजनेस के माध्यम से पूरे हों। बहुत जल्द आप हम सब लोग मिलें, और जहां पे हम मिलें वो एक बहुत बड़ा स्टेडियम हो, एक बहुत बड़ी स्टेज हो, उस स्टेज पे आप लोग हों, आपके पास आरसीएम बिजनेस की शानदार टेक्निकल बोनस की ट्रॉफियां हो। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।